और चलो ये बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बैठक शुरू, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी बैठक में मौजूद, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर संगठन की मजबूती और बूथ को लेकर रणनीति बनाने पर जोर दिया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो रही है। बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी बैठक में मौजूद है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में बैठक की जा रही है। और बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद हैं। और बैठक में संगठन की मजबूती और बूथ पर पार्टी के एजेंडे को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए सीधी लखनऊ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय की, जहां पर लगातार बैठक जारी है, लोकसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक में कई कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा रही है। और बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है और बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी मौजूद है। और ये देखिए सीधे तस्वीरें आपको बता दें, संगठन की मजबूती और बूथ को लेकर बनेगी रणनीति। संगठन किस प्रकार से मजबूत होगा, इस बात पर भी चर्चा की जा रही है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और इस बता दें कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में बैठक की जा रही है और पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। और लोकसभा चुनाव की तैयारियां और रणनीति पर चर्चा हो रही है और संगठन की मजबूती और बूथ को लेकर भी रणनीति बनेगी।